हमारे आसपास ही होती है, पर हमें पता नहीं आता कि ये मामूली से दिखने वाली चीज़ें इतनी कारगर होंगी। गाइस, तो आपको पता है ये है फिटकरी, जो हमेशा आपके घर में पड़ी रहती है, या नई भी होगी तो 5 से 10 रुपए में ये आराम से किराने की दुकान या मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो आपको पता है इससे क्या क्या होता है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको भी कहीं चोटें लगती हैं, कहीं से ब्लड आ रहा है, तो अगर आप वहाँ पे इसे लगा देंगे तो ब्लड का आना तुरंत रुक जाएगा। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है और दर्द बहुत समय से, लंबे समय से लगातार है, तो इसका छोटा सा टुकड़ा या इसे पीस कर आप अपने दांतों पर लगा देंगे तो आपका दांत का दर्द तुरंत ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे में दाग धब्बे, झुर्रियाँ, डार्क सर्कल है, तो आप इसे लगातार यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगी कि इस फिटकरी को आपको कैसे यूज़ करना है। इसके साथ साथ अगर आपके अंडर आर्म से बदबू आते हैं, या आप मोजे पहनते हैं तो आपके एड़ियों से बदबू आते हैं, तो आप उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो उसमें भी आप फिटकरी को यूज़ कर सकते हैं। गाइस, तो आप मुझे बताना कि इससे पहले आपको फिटकरी के इतने सारे फ़ायदे पता थे क्या? और मैं आपको बताती हूँ कि इस फिटकरी को किस तरह से आप चेहरे पे यूज़ करेंगे, जिससे आपका चेहरा दाग धब्बा मुक्त रहेगा। साथ ही अगर आपके चेहरे में पिंपल्स होते हैं और पिंपल्स होने के बाद वो अपना दाग छोड़ जाते हैं, तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपकी आँखों के नीचे में झुर्रियाँ हो रही हैं, उसमें आप इसे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये ओपन पोर्स के लिए भी कारगर है, और इसको लगाने से आपके चेहरे में जलने के निशान भी हट जाएंगे। साथ ही ये लूज़ स्किन को टाइट करता है, तो आप इसे डेली लाइफ में डेली यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। इसको बनाने के लिए हम फिटकरी ले लेंगे, इसको खलबट्टे की सहायता से एकदम महीन पीस लेंगे। गाइस, आपको जितना एक टाइम में ज़रूरत है आप उतना ही लें। इसे आप पीस कर रख सकते हैं, पर इसमें पानी डाल कर ना रखें। तो मैंने इसे अच्छे से बारीक पीस लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम इस फिटकरी को एक कटोरे पर निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर 5 से 7 मिनट तक इसे रख देंगे। जो फिटकरी का पानी हम बना कर रखे थे, इसे 5 से 7 मिनट के बाद हम अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। गाइस, तो इसे हम कॉटन की सहायता से अपने आँखों के नीचे, या अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे के निशान हैं तो आप इसे लगाएं, या चेहरा लूज़ हो गया है तो आप इसे लगातार 7 दिन तक यूज़ करें। आपको इसका इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। गाइस, तो आप इसे क्लॉक वाइज ही घुमा कर लगाएं, इससे आपका चेहरा टाइट होगा। और किसी भी चीज़ को जब आप फेस पर लगाएं तो इसे क्लॉक वाइज ही लगाएं। ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ भी तरीके से लगा रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। आप इसे पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं, या सिर्फ आपके चेहरे में जहां दाग धब्बा या पिंपल्स के निशान हैं वहां लगा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ, और बताएँ क्या आपको इससे पहले फिटकरी के फ़ायदे पता थे।